अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस ब्यूटी पार्लर। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप की क्लासेस, यानी मेकअप जो होगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई भी बिगनर सीखने जाता है तो उसको डायरेक्टली उसको बेसिक हाथ, यानी स्टेप और मेकअप वगैरह सब हाथ में दे दिया जाता है, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थ्योरी से स्टार्ट करूँ, यानी मेकअप बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी थ्योरी दूंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लासेस का आगाज होगा। तो आज जो क्लास है उसमें थोड़ा सा हाउ टू होगा कि यानी जिस तरीके से हम लोग के हमें क्या बेसिक क्या लेने हैं, बेसिक कलर क्या है, रंगत क्या है, कौन सी स्टिक यूज करनी है, क्या हमें समझना चाहिए पहले। तो समझाने के लिए मैंने ये एक क्लास रखी है, क्लास वन है। इसमें हम लोग समझेंगे कि असल में हमारी जो एशियन टोन है, यानी मेकअप के हवाले से एक क्लास है। तो मेकअप में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास टोन कितनी है, हमारे पास जो हमारी स्किन टोन है वो कितनी है, यानी हमें किन किन स्किन पर काम करना होगा और किस किस तरीके से काम करना होगा, यानी कौन सी बेसिक हम यूज़ करते हैं रंगत पर। तो क्लास को पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए क्लासेस में। कोई क्लासेस के आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर जाकर नहीं सीख सकती, तो मेरी क्लासेस से उन लोगों को फ़ायदा हो। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी सारी जो वीडियोस आएँ वो आप लोगों के पास ईजिली पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मेकअप के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें किन किन कलर्स पे काम करना पड़ेगा, यानी हमारी एशियन टोन कौन कौन सी है। तो एशियन टोन जो है वो, यानी जो रंगत है हमारे पास, वो होती है गोरी, यानी जो फेयर कलर है वो है। कम गोरी यानी थोड़ा जो लाइट होता है, गोरा ही कहलाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर पे नहीं होता वो। उसके बाद होती है गंदमी, उसके बाद आती है सांवली, और फिर है काली रंगत, यानी सांवली के बाद भी जो बहुत ज़्यादा कलर डार्क होता है वो होता है काली रंगत। तो यह हमारे पास पांच कलर्स हैं जो हम लोग उनसे मेकअप करेंगे। तो अच्छा, अब जो हमें मेकअप करना है, तो मेकअप जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो है क्राइलॉन। तो क्राइलॉन जो बेस है वो ऐसी है कि यानी जो बिगनर्स होंगे उनको ईजीली मेकअप करना आ जाएगा, तो इस वजह से क्राइलॉन बेस जो होती है वो समझने के लिए और करने के लिए भी बहुत आसान होगी, कि हम लोग इससे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो स्टिक के ये नेम्स हैं, तो जो हमारी गोरी रंगत होगी, गोरी रंगत पे हम लोग स्टिक यानी क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक, ये जो टीवी पेंट स्टिक आती है क्राइलॉन की, टीवी पेंट स्टिक है क्राइलॉन की, तो उनके जो ये जो नंबर्स है ना, ये हमारे इंटरनेशनल नंबर हैं, यानी इंटरनेशनली इन कलर्स को स्टिक में, मेकअप में इसी तरह कहा जाता है। तो ये जो यानी जो हमारी गोरी रंगत होगी उसके लिए हमें स्टिक जो चाहिए होगी वो होगी आइवरी। आइवरी जो कलर होगा वो हम गोरी रंगत के लिए यूज़ करेंगे, और थोड़ा कम में जब जाएंगे, यानी थोड़ी कम हमारे पास गोरी रंगत आती है, तो उसके लिए FS-45 आएगा स्टिक हमारे पास, यानी हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब गंदमी रंगत आती है वो होती है 38। अच्छा, अभी मैं थ्योरी इस वजह से समझा रही हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिकल जब होगा तब ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा कि किस रंगत के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि रंगत को सबको सामने लेकर आऊँ और उसके बाद स्टिक लगाऊँ, ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए कि कौन से कलर के लिए कौन सी स्टिक चाहिए। फिर उसके बाद जो गंदमी रंगत है वो है 38, यानी गंदमी रंगत जो हमारे पास आएगी, मेरा जो कलर है ये गंदमी रंगत है, तो गंदमी रंगत के लिए 38 मेरे ऊपर बेस्ट रहती है, बेस होती है, यानी ये 38 है। फिर उसके बाद है सांवली रंगत, ये है 36, और उसके बाद है काली रंगत, तो ये है चाइनीज़, यानी चाइनीज़ स्टिक के नाम से एक बेस आती है, तो उस पर हम लोग चाइनीज़ यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा काली रंगत होगी उसके लिए। अच्छा, ये वाले जो कलर्स हैं समझे, ये जो है ये डार्क है, और यहाँ जब हम ऊपर जा रहे हैं गोरे की तरफ, तो ये है लाइट,
यानी ये डार्क है और यहाँ लाइट है, यानी कलर नंबर बढ़ते जा रहे हैं और कलर फेयरनेस पे जा रहे हैं हम, यानी फेयरनेस हमें ऊपर की तरफ मिल रही है, यानी नंबर बढ़ रहे हैं तो फेयरनेस पे जा रहे हैं हम। ये बात थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने के लिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो नंबर कम होंगे वो डार्कनेस है और जो नंबर बढ़ेंगे वो लाइटनेस है, यानी फेयरनेस है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि हमें इसके ऊपर क्या लेना है, यानी हमें रंगत जो हम लोगों ने यूज़ की है उसके बाद जब हम स्टिक लगा देंगे तो स्टिक के बाद हमें कौन से फेस पाउडर यूज करने होंगे। तो फेस पाउडर के लिए हम लोगों को गोरी रंगत पे यानी आइवरी पे हम आइवरी ही लेंगे, आइवरी फेस पाउडर लेंगे तो हमारी बेस बिल्कुल सही होगी। और जो कम गोरी रंगत है उसके लिए भी हम लोग 45 यानी आइवरी लेंगे, यानी 45 है तो थोड़ा सा फेयरनेस पे जाएंगे। फेस पाउडर जो होगा वो एक नंबर आगे लगेगा, यानी लाइटनेस पे लगेगा, एक नंबर आगे टोन पे जाएगा। तो उसके बाद जो गंदी रंगत है यानी 38 है तो 38 को हम 45 से भी कर सकते हैं, यानी फेस पाउडर जो हम लगाएंगे 45 भी लगा सकते हैं और आइवरी भी लगा सकते हैं, 45 और आइवरी दोनों हम लगा सकते हैं। उसके बाद सांवली रंगत है, सांवली रंगत है 36 जब लग रही है तो 36 के ऊपर हमें जो फेस पाउडर लगाना है वो 38, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये बढ़ रही है रंगत लाइटनेस पे जा रही है तो 38 लगाया, या 45 अगर ज़्यादा चाहिए तो 45 भी ले सकते हैं। और जो ये काली रंगत है ये है चाइनीज, यानी काली रंगत में हमें चाइनीज बेस जब लगानी है तो हम चाइनीज के ऊपर 36 या 38 दोनों लगा सकते हैं, हम 36 भी लगा सकते हैं और 38 भी लगा सकते हैं, यानी थोड़ा सा फेयरनेस पे देना है तो 36 या 38 लगेगा। अच्छा जी, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इन सब में से होनी कौन सी चाहिए, यानी होनी तो हमारे पास सभी चाहिए, लेकिन जब हम बिगनर्स हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, या अगर हम घर में काम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो लाजमी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परचेजिंग पे ध्यान दें, हमें परचेजिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है और हमें टेक्निक्स को फॉलो करना है, यानी लाजमी नहीं कि इन्वेस्टमेंट पहले ज़्यादा हो तो फिर उसके बाद आपके पास ज़्यादा काम आएगा, आपका काम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फिर उसके बाद आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें जो चीज़ें चाहिए यानी जो इनमें से लाजमी होंगी तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आइवरी है, ये आइवरी जो कलर है ये आपके पास होना ही चाहिए, यानी आइवरी होगा और 38 होगा, यानी ये दो कलर हमारे पास अगर होंगे तो ये 45 जो है वो हमारे पास मिल जाएगा, यानी इन दोनों से बनकर मिलकर ये वाला 45 बन जाएगा, यानी हमारे पास दो कलर होंगे तो एक कलर हमारे पास बन गया। इसी तरह जब 38 हमने लिया हुआ है तो 38 और चाइनीज दोनों से मिलकर हमारे पास 36 बन जाएगा, यानी चाइनीज और 38 को मिला के हम 36 बना सकते हैं। तो हमारे पास तीन कलर हम लेंगे, अगर ये तीन कलर समझे हमारे पास होने ही चाहिए, जब ये तीन कलर हमारे पास होंगे तो ये दो कलर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं खरीद सकते तो फिलहाल आप तीन स्टिक्स लेकर पूरी 5 स्टिक्स का काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं फेस पाउडर या फैन के। फेस पाउडर जो बहुत ज़्यादा यानी अभी जिनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो उनको लाजमी नहीं है कि वो पेन केक ही खरीदें, अभी सिर्फ फेस पाउडर से आप काम चला सकते हैं। तो फेस पाउडर में भी ऐसा ही है कि आइवरी ले लिया आपने, उसके अलावा आपने 38 ले लिया, तो आइवरी और 38 से आप सब यानी इन सब पे यूज़ कर सकते हैं, यानी जब हमारे पास गोरी रंगत होगी आइवरी और 45 तो आइवरी चल जाएगा। अगर 38 पे हम काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा फेयरनेस पे जाना होता है, तो फेयरनेस पे जाने के लिए हमें आइवरी यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद 36 और चाइनीज है अगर, तो उसके अलावा आप 45 ले लें या 38 ले लें, इन दोनों में से एक कलर ले लें ताकि हम 36 और चाइनीज दोनों पे काम कर लें, यानी अगर हम चाइनीज़ के लिए तो हमारे पास 38 ही होना ज़्यादा अच्छा है, ताकि 38 होगा क्योंकि अगर हम ज़्यादा डार्क के ऊपर फेयरनेस लगा देते हैं तो वहाँ पे जो स्किन होती है ब्लैकिश हो जाती है, तो इस वजह से इन बातों का भी ख्याल रखना है। अच्छा, अभी तक की जो क्लास थी उस हवाले से आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन से स्टिक्स लेने चाहिए,
किस रंगत पे कौन सी स्टिक चलेगी, उसके बाद स्टिक के बाद फेस पाउडर कौन सा चलेगा। अगर आप सिर्फ घर में अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी कलर के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो कलर है उसके अकॉर्डिंग आप स्टिक ले लेंगे और आप ये वाला यानी फेस पाउडर या पैन केक ले लेंगे। तो ये आपका घर का हो गया काम, यानी जो हाउस वाइफ हैं और जो घर में गर्ल्स हैं जो भी अपने लिए लेना चाहती है वो अपने कलर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और उन बच्चियों को जो इंटरेस्ट रखती हो उन सबको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।